माली का हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर हमने सीधा डायरेक्ट उसका का पकड़ लिया ऑटो, और शायद उसके बगल में ये कुछ एक बात मालूम चला, उसके बगल में ये संकट मोचन, ये संकट मोचन हनुमान मंदिर, और हमारे आते आते जैसे ही मैं पहुंचा वैसे सोचे पट बंद हो गया था। फिलहाल गाइस हम लोग निकल रहे हैं अब दुर्गा कुंड के लिए, हम लोग नहीं सिर्फ हम, ठीक है, तो यहाँ से आप मिलते हैं दुर्गा कुंड में। मुझे भी नहीं मालूम किधर है, बट मैंने पूछा तो उन्होंने बताया इधर ही है, बस चल रहा है, देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू रहे। अभी हम दुर्गा कुंड का दर्शन करके, फिलहाल ये रहा दुर्गा कुंड, और अभी निकलते हैं हम अस्सी घाट की तरफ, जो कि यहाँ से 900 किलोमीटर है, तो ये हम पैदल ही जाने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अस्सी घाट का व्यू, बहुत ही गजब का होने वाला है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया इधर, और मुझे दर्शन भी करना है काशी विश्वनाथ मंदिर। इसमें आने वक्त इतना ज़्यादा भीड़ था कि हमने छोड़ दिया, फिर अब इधर से अस्सी घाट होते हुए हम निकलेंगे डायरेक्ट विश्वनाथ मंदिर। गाइस काफ़ी देर बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं अस्सी घाट। बहुत घूमना पड़ा है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, इतना पूछते पूछते मेरा पैर पूरा दर्द कर चुका है, बट फाइनली हम पहुंच चुके हैं अस्सी घाट, आप लोग दिखाते हैं, और काफ़ी गजब का व्यू है इधर, देख पा रहे हो, एक मिनट मैं दिखाना चाहता हूँ। ओह भाई साहब, देख सकते हैं गंगा जो कि अभी हमारे सामने है, अस्सी घाट। अभी फिलहाल यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, और यहाँ पे भी शाम की आरती होती है, आप लोग देख सकते हैं इधर से, और भाई साहब काफ़ी गजब का, और इधर से पूरा घाट ही घाट है। तो गाइस हमने लिया अभी कपड़ा, एक गमछा है और दो शर्ट है, ठीक है, और इसमें से गमछा और शर्ट तो हम पहनेंगे, और एक शर्ट हमने एक्स्ट्रा लिया है, वो आपको बाद में मालूम चलेगा मैंने क्यों लिया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं नहाने, और उसके बाद फिर बोट राइडिंग करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहे, और ये तीनों मुझे लगभग 530 का पड़ गया है, पर सही है वैसे, ज़्यादा कुछ रेट हाई नहीं है, बट जो भी है अच्छा है। और इधर देख सकते काफ़ी सारा बोट, हम भी थोड़ी देर में इस बोट से होके हम भी निकलेंगे इधर से, और पूरा आपको घाट दिखाएंगे कैसा है। इधर चलिए अभी नहाते हैं, फिर मिलते हैं। तो फाइनली गाइस हम नहा चुके हैं, अब कपड़ा चेंज करके अब निकलना आगे। फाइनली गाइस हम नहा के रेडी, अब सोचते हैं बोट लेते हैं, उसका फिर जाएंगे पूरा घाट घूमने। तो फाइनली गाइस अभी इधर से हम निकलने वाले हैं, और देखते हैं अगर बोट वगैरह मिलता है तो बोट से ही जाएंगे। फिलहाल ये रहा अपन, ये पीछे रहा अस्सी घाट का पूरा। फाइनली गाइस हम लिए हैं बोट, जो कि 100 रुपये में पूरा यहाँ से लेकर उधर पूरा घुमाएंगे। तो चलिए आपको पूरा दिखाएंगे कैसे कैसे जाते हैं, काफ़ी आदमी यहाँ पर आ चुके हैं पहले से ही, और ये चंदन हमने करवाया है, जो कि फेमस है बनारस का। तो फाइनली गाइस यहाँ पे बोट ओपन हो चुका है, अब इधर का पूरा घुमाएंगे हम लोग को। अच्छा इधर ऐसे होके जाएगा, ये पूरा दिखाते हैं आप लोग को, ये है ना, ये आगे और इस पार से पूरा व्यू इधर का दिखाना देखना पड़ेगा, देख सकते हैं आप लोग इधर से, और इस साइड है हमारा टेंट सिटी,
देख रहे हो काफ़ी बड़ा है। अभी फिलहाल इस साइड रुका गया है, यहाँ पे अभी रुकना आएंगे, वहाँ से इधर आए। खूबसूरती अब बनारस, आओ इधर काफ़ी पुराने पुराने टेम्पल सब भी बहुत सारे यहाँ पे टेम्पल है। जैन, ये रहा जैन घाट, और इधर से टेंट सिटी का खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी गजब का है टेंट सिटी, काफी दूर में है इधर। टोटल घाट जितने भी है 84-80 घाट जितने भी है वो पूरा दिखाया जाएगा यहाँ पे, ये पूरा घुमाने वाले हैं। हरदम चीता जलती ही रहती है, एक ना एक चीता यहाँ पे हरदम जलती ही रहती है, ये कभी बंद ही नहीं होता, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। और इधर अभी ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है, पर आगे अभी और भी गजब का भीड़ लगने वाला है, इधर उतना नहीं है। और यहाँ पे भी गंगा आरती यहाँ पे भी होता है, और इधर साइड में कुछ होटल्स है वगैरह, काफ़ी गजब का लग रहा है वहाँ। गंगा आरती आप लोगों को देखने को मिलता है, ये इसी जगह का रहता है, ये पर यहीं पे होता है गंगा आरती, जो कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे जब आरती होता है तो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बनारस, वाओ
आता है तो एक आता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे मतलब कि जो आदमी का जो आदमी को मतलब सीधा जलाया जाता है वो आदमी को सीधा स्वर्ग स्वर्ग ही मिलता है, ऐसा कुछ माना जाता है यहाँ के बारे में। जैसे अभी भी 3-4 चीता लगातार यहाँ पे जल ही रहे हैं और भी ऊपर भी जल रहे हैं और यहाँ पे शायद हम लोग अभी उतारने वाले हैं। फिलहाल गाइस हम बोट को अभी लिफ्ट कर दिए और यहाँ से अभी पैदल ही घूमने का कोशिश करेंगे, बिकॉज आगे बहुत ही गजब का व्यू दिखने वाला है। देख सकते हैं आप लोग पीछे ये। तो यहाँ पे कितने चीता इधर चल रहे हैं, एक दो नहीं बहुत सारे चल रहे हैं। अभी हम ऊपर जाके दिखाएंगे आप लोग को, और भी गजब लगने वाला है। बस इधर पूरा वही है, सिर्फ इधर यहाँ पे लाश ही जलता है चारों तरफ बस।